गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हैप्पी दीपावली मेरी पूरा परिवार के तरफ से। अच्छे से बनाओ दीपावली और बाहर मत जाओ, घर के अंदर ही रहो, फैमिली के साथ बनाओ। यही है इस बार का 2020 का जो है दीपावली सबके लिए। हमारे लिए तो हम दीपावली शायद नहीं बनाएंगे। पहले सुबह से तो मतलब बेटी ने सारा तैयारी कर ली, मैंने कर ली घर का काम वाम कर ली, तैयारी कर लिया। और बाद में फोन आया कि हम दीपावली जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते और पूजा वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो बेटी थोड़ा सा सैड हो गए। और मैं भी मतलब ऐसे बच्चे घर में रहते हैं तो बच्चे थोड़ा सैड हो जाते हैं, तो सैड हो गए, कोई नहीं आप पूजा नहीं कर सकते तो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब कुछ बना लूँगी। और कर लिया था थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया था और फिर पता चला कि नहीं कर सकते तो फिर रख दिया वो सारा सामान, पूजा नहीं करेंगे। और बाकी सब मतलब तैयार वैयार हो गए। बेटी भी, बेटा देखा कहाँ है, बेटी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हूँ, मतलब लाल सूट पहनी हूँ, बाद में दिखाऊंगी पूरी लुक। और बाद में रात को शायद साड़ी पहन सकती हूँ। तो अभी थोड़ी जा रहे हैं बाजार, और बाजार जा रहे हैं थोड़ा सा बेटी के कुछ कपड़े लाना है, और बाजार से आके जो खाना वाना बनाऊंगी और ऐसे ही नॉर्मल दिया बत्ती करेंगे। तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ बाजार। रंगोली बनाया, मुझे नहीं आती बनानी, बस ऐसे ही बना दी मैंने पहले, मतलब हर दिवाली में ही बनाती हूँ ऐसे मोबाइल में देख देख के, और ऐसे बनाती हूँ। और ये थोड़ा बहुत जो ऐसे बेटी ने तैयारी कर रखी थी, फिर बाद में मतलब ऐसे ही। और ये जो है ना गोपाल जी की, लड्डू गोपाल की अब ड्रेस देख रहे हो, अभी आज ही लाई हूँ, आपको पहले बोली थी लाऊंगी लेकिन आज ही लेके आई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जाके। और स्वेटर भी लाई हूँ, वो मैं जब पहनाऊंगी तब दिखा दूंगी आपको। ये लाई हूँ, बहुत सुंदर है ना, ये लाई हूँ। हम बाजार गए थे तो बाजार से आ गए और मैंने रंगोली बनाया, ये देख लिया। और भगवान भी ऐसे ही जो है थोड़ी सी कर दिया था, मतलब बेटी ने कर दिया था, फिर बाद में जो है बाहर से बहुत आवाज आ रहे होंगे, हमारी पड़ोसी है कुछ नहीं कर सकती दोबार के दिन है, तो आज जो है नहीं कर सकते, पहले से तैयारी करके रखे थे, तो बच्चों का जो है मन खराब हो जाएंगे त्योहार के दिन। और इस चक्कर में थोड़ा बहुत की पूजा नहीं करेंगे, पूजा में सिर्फ दिया और अगरबत्ती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रसाद वसाद भी नहीं चढ़ाएंगे। मतलब क्यों नहीं चढ़ाएंगे ये आपको नहीं पता, मतलब नवरात्रा के टाइम थोड़ी दिन पहले, नवरात्रा से पहले जो मेरी दादी सास है वो गांव में दर्द हो गई थी, तो हमें नहीं पता, मुझे इतना नहीं पता, पता नहीं था तो पहले कभी हुई नहीं थी तो मुझे नहीं पता। तो हमने सारा सुबह जो है पूजा की तैयारी कर, दो तीन दिन से खरीदारी कर रहे थे, पूजा की तैयारी कर दी। और बाद में तैयारी करने के बाद जो है गांव से मेरे सास ससुर का फोन आया कि हम पूजा नहीं कर सकते, तो फिर बेटी तैयारी कर रखी थी पूरा, हमने भी कर लिया, फिर बहुत ज़्यादा बेटी की भी मन खराब हो गए, हमारी भी हो गए, तो फिर कोई नहीं पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मैंने शौक में जो पिछले साल की जो रंगोली की सामान रखी थी मैंने बाजार से, फिर बाद में नहीं लाई, उसी की थोड़ा सा रंगोली बना दी। बेटा आप बोल रहे थे, बेटी भी बोल रहे थे बना दे बना दे, तो इसलिए मैंने बनाया रंगोली, ऐसे ही बना दी।
और मंदिर में भी दिया और अगरबत्ती करेंगे। और खाना अभी मैंने नहीं बनाया, खाना बनाऊंगी, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, जो बैच बनेंगे कुछ बना हुआ है और कुछ बनाऊंगी, बस इतना ही है। और आप हंसते हुए और हैप्पी हुए और जो है दीपावली जो है सेलिब्रेट करो, और जो भी है माहौल अभी की तो उसको साथ में रख के अपनी फैमिली के साथ घर पे अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करो, बाहर मत जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाहर के माहौल तो मतलब मेरी बताने से कुछ नहीं, सबको ही पता है कैसा है बाहर के माहौल। और बस ऐसे हंसते हुए और मतलब फैमिली जहाँ भी रहे वहीं जो होते हैं अपना खुशी होते हैं वहीं त्यौहार है, तो फैमिली के साथ त्यौहार सेलिब्रेट करो। और बाकी तो चीज़ें जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बस इतना ही है हमारी पूजा वूजा। मॉर्निंग गाइस, और कल वाला ये ब्लॉग है जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो आज सुबह कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि रात को ननद के घर गए थे, वहाँ से आने में बहुत लेट हो गई थी तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई, और थकान भी बहुत हो रही थी, फिश हो गए, सोचा कि सुबह कंटिन्यू करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगी सुबह। कल भी बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि नहीं करी थी कुछ भी, थोड़ा बहुत जो किया था वो शेयर कर लिया, कुछ ऐसे कुछ शेयर नहीं कर पाई। और आज दीपावली की दूसरा दिन है, मेरी पियर की बहुत याद आ रही है मुझे आज, क्योंकि अगर पास में ही पियर होता तो जा सकते थे अपनी मम्मी पापा के पास पैर छूने मिलने, तो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेटिव भी नहीं है कि जाए, और मम्मी पापा भी नहीं है यहाँ पे, तो होता है ना कि भाई ऐसे त्यौहार के जैसे आज है, इनकी भी छुट्टी है, बच्चे भी घर पे है, सब है, ऐसा लगते है कहीं चले जाए, लेकिन और कोरोना के चक्कर में ऐसे थे आसपास की सारा जो जगह है वो भी बंद है, कहीं जा भी नहीं सकते, और पियर भी पास नहीं है, तो बहुत ऐसे याद आ रही है, क्योंकि मन कर रहे हैं ऐसे होता है ना कि अपनी पियर में ही बिना बुलाए जा सकते हैं, बिना बुलाए कभी भी, और किसी के ऐसे रिलेटिव के घर बिना बुलाए नहीं जा सकते, तो ऐसे पता नहीं उनका क्या प्लान हो क्या नहीं हो, तो उनको डिस्टर्ब ना हो जाए ऐसे मतलब सोचने बैठ जाते हैं। और माँ बाप के घर तो कभी भी जा सकते बिना बुलाए भी और जैसे कैसे भी, तो बहुत याद आ रही है मम्मी पापा की मतलब पियर की, कोई नहीं ऐसे होते हैं शादी के बाद, ऐसे ही होते हैं लड़की की लाइफ, कुछ नहीं कर सकते। तो बस वीडियो यहाँ ये, हैप्पी दीपावली सबको मेरी तरफ से, बहुत सारे प्यार और बहुत सारी खुशियाँ ले लो, और सबके घर में आए खुशियाँ यही रही दीपावली की, और इंजॉय करो आप लोग, घूमो, और मतलब घूमो क्या बाहर तो नहीं जा सकते, आसपास की ऐसे ही रिलेटिव हो तो अपने माँ बाप के घर पैर छूने तो जा सकते हैं, और ठीक है अब वीडियो तो फिर अब तक के लिए यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।